बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का और मेरी यूट्यूब फैमिली का? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा जी, आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम बनाएंगे हैदराबादी बघारे बैगन। उसमें मैंने पानी ले लिया। पानी लेने के बाद जो है मैंने उसमें एक टीस्पून नमक डाल के, और ये बेबी बैगन जो होते हैं गोल वाले आपको वो लेने, और इसमें इस तरह देखिए क्रॉस में इस तरह से मैंने कट लगा लिए ताकि इसमें अच्छी तरीके से जो भी आपको नजर भी आ जाएगा कीड़ा, तो ये लाजमी कीजिएगा। तो बाउल में पानी लेके एक टीस्पून नमक डाल के इस तरह से बेबी बैगन लीजिएगा, छोटे जो गोल आते हैं उनमें जायका होता है, और इसमें से इस तरह क्रॉस लगा लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए कुछ मसाले हैं जिनको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। तो उसमें से देखिए ये मेरे पास है तकरीबन 3 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खशखाश। अगर आपके पास खशखाश नहीं है अवेलेबल तो आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं। 10 से 11 दाने मूंगफली के, 3 टेबल स्पून वाइट तेल, 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर। अच्छा ये वो है डेसिकेटेड कोकोनट ही, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साबुत भी डाल के इन सारी चीज़ों को हम करेंगे रोस्ट, और उसके बाद इसको ग्राइंड करके एक फाइन सा पाउडर बनाएंगे। तो हम इन सारी चीज़ों को ड्राई कर रोस्ट करते हैं। पहले बड़ा अच्छा सा ड्राई रोस्ट हो गया, बहुत अच्छी इसमें स्मेल आने लगी है। तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और उसको थोड़ा सा हम ठंडा करते हैं, फिर आपको ग्राइंड करके मसाला ठंडा होता है उसे पीस के हम आपको दिखाएंगे। उससे बाद जो है हम करेंगे क्या, 4 दरमियाने साइज की देखिए इस तरह से प्याज लेंगे और इनको इस तरह जो है वो रोस्ट कर लेंगे चूल्हे पर रख के, उसके बाद उसे ग्राइंड करेंगे। तो हम प्याज को रोस्ट करते हैं। मसाला पीसा था आपके सामने ड्राई रोस्ट किया था उसको देखिए इस तरह पीस लिया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो इसको मैंने आधा अलग कर लिया है और देखिए आधा ये अलग कर लिया है, ठीक है जी। आप करेंगे क्या, और ये देखिए ये प्याज जो हमने आपके सामने ड्राई रोस्ट वो हमने चूल्हे पे इसको रोस्ट किए थे, ये देखिए कुछ इस शक्ल इसमें आ गए। तो अब इसका जो हम छिलका है वो रिमूव करके फिर इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट सा बना लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपने करना क्या है, देखिए ये बैगन जिसमें हमने क्रॉस का कट लगाया था तो इसको इस तरीके से हल्का सा आपने खोलना है, और खोल के आपने इसमें एक चुटकी जो है एक पिंच जो है आपने नमक डालना है पहले इस तरीके से। उसके बाद जो ये मसाला है उस मसाले को लेके आपने अच्छी तरीके से इस बैगन में ये मसाला भरना है ऊपर के, और भर के इसको ऐसे करके दबा देना, दबाइएगा जरूर, ठीक है, प्रेस जरूर करना। इस तरह एक खुले मुंह का बर्तन है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। तेल थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें हम अपनी बघार की चीज़ें डालेंगे जो मैं आपको बताऊंगी आगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मेथी दाना डाल रही हूँ, मेथी दाना थोड़ा सा जो है हम इसमें कड़कड़ाएंगे। इसके बाद जाएगा इसमें देखेंगे साबुत जो है लाल मिर्च होती है 4 से 5 डाल दें आप, 1 टीस्पून के करीब जीरा। इसके बाद देखिए कुछ करी पत्ते हैं मेरे पास, ये मैं डाल दूंगी। अब इन सबको जो है वो इतना हमने जो है कराना है कि ये बिल्कुल सिया हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मेरे पास जो है तकरीबन इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड करके इस तरह से पेस्ट बना दिया, आप देख सकते हैं ये जाएगा इसमें। अच्छा उस वक्त तक हम अपनी प्याज को जो है वो भूनेंगे कि ये लाइट जो है पिंक कलर में आ जाएगी, ठीक है। और जब तक ये लाइट पिंक कलर में आती है हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद देखिए प्याज हमारी पिंक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, ये सारा इसमें चला जाएगा। अब देखिए अदरक लहसुन को हमने भून के प्याज के साथ भून लिया। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, उसके बाद जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके भुनेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा भुन गया और तेल जो है वो फाइट पे हो रहा है। तो आप इस पॉइंट पे जो है आपने करना ये कि फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करना है, और स्लो करने के बाद जो है आपने जो हमने अपने बैगनों में मसाले भरे थे वो सारे बैगन, ये आप देख सकते हैं ये बैगन इसमें हमने मसाले भरे थे, तो ये सारे इसमें इस तरीके से बिछा दें। ये देखिए सारे बैगन बिछाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, और नमक डालने के बाद अब इसमें जो है नीम गर्म पानी डालेंगे हम 1/2 प्याले के करीब। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब इसको जो है वो थोड़ा सा इसको हिलाएंगे इस तरीके से,
और इसको हम कवर करते हैं 5 मिनट के लिए। इसको कवर करते हैं कि बैगन हमारे नरम हो जाए, फिर बाकी की चीजें हो गए इसको हमारे पकते हुए बैगनों को। तो आप देख सकते हैं कि बैगन हमारे नरम हो गए हैं। तो अब इस पॉइंट पे ये हमारे पास है इमली का पल्प 1 कप के करीब, ठीक है जी। मैंने इसको नीम गर्म पानी में जो है इमली के करीब लेके भिगो दी थी, तो ये इसका जो पल्प है वो 1 कप के करीब निकला। तो ये पूरा इसमें 1 कप इमली का पल्प जाएगा। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए इसमें जाएगा कलौंजी 1/2 टीस्पून के करीब और कुछ कड़ी पत्ते। फिर जाएंगी इसमें कुछ हरी मिर्चें, 5 हरी मिर्चें इसमें ऐसे करके डाल दें। और जो हमारा मसाला बचा हुआ था तो वो बचा हुआ मसाला हम इसके अंदर सारा डाल देंगे और इन सारी चीजों को मिक्स करके जो है अपने भगाए हुए बैगनों को दम पे। तो ये सारा मसाला हम जो है वो इसमें मिक्स करते हैं। और यकीन जानिए कि बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और जब आप लोग ये बनाएंगे तो यकीनन एक दफ़ा जब आप इसे खाएंगे तो आप लोग बार बार बनाएंगे। बहुत मज़े का बनता है ये। और जैसे कि यह हैदराबादी डिश है तो खट्टी सारे इसमें आपको मज़ा मिलेगा। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इसको जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये अब इसको हमने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे बगैरे बैगन बन के तैयार हैं। बहुत स्पाइसी और मैं आपको बता नहीं सकती कि जो इसका फ्लेवर आया है इतना सा बहुत मजे का बना है। जरूर ट्राई कीजिएगा। ये ऑथेंटिक रेसिपी है बगैरे बैगन की जो हैदराबादी स्टाइल से बनता है। तो इसको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें बेल के साथ, ताकि इसी तरीके की मजेदार रेसिपी आप आसानी देख सकें। इजाजत चाहती हूँ, जल्दी आऊंगी इसी तरीके की इजी और मजेदार रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।